मंडल, ग्राम पंचायत खुशहाल चक, मुखिया प्रतिनिधि, मैं ग्राम पंचायत खुशहाल चक से महिला उम्मीदवार श्रीमती रेखा देवी के लिए मैं सभी पंचायत वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि इस 24 तारीख को जो चुनाव का महापर्व आने जा रहा है, मैं सभी खुशहाल चक पंचायतवासी से निवेदन करता हूं कि श्रीमती रेखा देवी का जो चुनाव चिन्ह 11 नंबर पर बैलगाड़ी छाप मिला है, मैं श्रीमती रेखा देवी के लिए सभी पंचायत वासियों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस 24 तारीख के महापर्व में अधिक से अधिक अपना बहुमूल्य वोट देकर बैलगाड़ी छाप पर भारी से भारी मतों से विजय बनावे। चलिए उपेंद्र प्रसाद, आप भी जो है वोट मांग दीजिएगा जरा। उपेंद्र प्रसाद है, मैं खुशहाल चक पंचायत के बसावन से ग्राम के एक सदस्य हूँ। श्रीमती रेखा देवी जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, मुखिया प्रत्याशी श्री उमेश प्रसाद मंडल, इन्होंने विकास के संबंध में पूरे पंचायत में जो विकास किया है आज तक कभी नहीं हुआ। 15 वर्ष के बाद इन्होंने जो विकास कर दिया तो हम लोगों के लिए सराहनीय है और हम लोग उनको इसी मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद इनके साथ है ना? जी हाँ, एकदम मेरा आशीर्वाद है कि ये विजय जरूर होंगे। मैं उपेंद्र प्रसाद यादव समस्त खुशहाल चक पंचायत वासियों को नमन करता हूँ। 24 तारीख को एक महापर्व हमारे खुशहाल चक राज पंचायत में होने जा रहा है। इस महापर्व में जितने भी हमारे नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं एवं बहनें, सभी से मेरा निवेदन है कि चढ़ बढ़ के इस महापर्व का हिस्सा बने, हिस्सा लें। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारे कैंडिडेट जो रेखा देवी है, उनका चुनाव चिन्ह बैलगाड़ी छाप है, 11 नंबर कर्म संख्या है, सब वोट देकर भारी से भारी मतों से इन्हें विजय बनावे, ताकि हमारे खुशहाल चक पंचायत राज में एक विकास का जो लहर चला है और भी बढ़िया से विकास हो। और बहुत सा जो विकास पड़ा हुआ है वो विकास और बढ़िया से सुचारू ढंग से कामयाबी हो। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि रेखा देवी को बैलगाड़ी छाप में वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बना दें। जिंदाबाद, बैलगाड़ी छाप जिंदाबाद, बैलगाड़ी छाप जिंदाबाद, 11 नंबर जिंदाबाद, 11 नंबर जिंदाबाद।